अरे भाई मेरे घर में पता चल गया क्या कि मैं सिगरेट पीता हूँ। तो इसमें खुशी क्या बात है? मैंने तेरे घर में बता दे तू भी पीता है। हाँ दोस्तों, हमारे तरफ से आप सभी प्रेमियों को आपके आने वाले 14 फरवरी बेल्ट आयन डी की नहीं यार, गलत है ये। बेलन डेलन डी भैया, बेलन विटामिन डी यार भैया, 14 फरवरी प्रेमी डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या मालिक, अंधे को 5 रुपए दे दो। तुझे शर्म नहीं आती? इतना हट्टा खट्टा हो गया, भीख मांग रहा है। और इसके चश्मे देखियो कितने स्टाइलिश है। हुस्न की मलिका, आप ही संध्या को 5 रुपए दे दो। नहीं भाई, तू 200 ले ले यार, तू तो सच में ही अंधा है। सॉरी यार, सॉरी भाई। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या। अरे भाई धीरे धीरे गाना। ठीक है भाई। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरे। अरे भाई रात के 12 बज रहा है, कहाँ नींद खराब कर रहा है दूसरे का, सो जा ना। रात के 12 बजे क्या हुआ भाई? साला तुमको सोने बोले तो इतना हल्ला क्यों कर रहा है? साला आपसे हल्ला किया तो उठा के बाहर फेंक देंगे। हम तेरा मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। नमस्ते कलेक्टर साहब, आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाता हूँ। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट्ठी भेजिए। मैंने पूछा हाउ आर यू? फाइन। अरे यार तुम लोग इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम रखते हो यार। हाउ आर यू मतलब कौन हो तुम? सब आप रिश्ता देखने जाएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? लड़की देखूंगा। अरे मेरा कहने का मतलब है कि लड़की कैसी होनी चाहिए? लड़की जिंदा होनी चाहिए। अरे सूरज, तुमको पता है चाइनीज लोग इस हाथ से खाना नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाथ मेरा है ना, तो अपने हाथ से खाना खाते होंगे। कमाने पे आऊं तो मैं अंबानी को भी पीछे छोड़ दूं, लेकिन जब दुनिया से खाली हाथ ही जाना है तो इतनी झंझट करने से क्या फायदा। हाँ एक ज्ञान की बात बताऊं, हम चप्पल के बिना चल सकते हैं लेकिन चप्पल हमारे बिना नहीं। हाँ अरे भाई क्या ढूंढ रहा है? अरे मैं फेल हो गया, मेरा बाप बोल रहा तूने सारा पैसा पानी में डुबा दिया, वही ढूंढ रहा हूँ। ले मेरी दुख भरी कहानी पढ़। अबे क्या लिखा है इसमें, तो कुछ भी समझ में ना आ रही है। मुझे पता था मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। अबे साले के स्लो भी राइटिंग में लिखेगा तो कौन समझ लेगा इसे। दोस्तों ये जो ठंड पड़ रही है ना, अरे ये ऐसे नहीं जाएगी, ये क्वार्टर से जाएगी। आज मैं तुम लोगों को नजर उतारूंगा।
दूंगा। हाँ हाँ उतारो उतारो उतारो। पहले मेरा मेरा मेरा। भाई 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 पहले मैं जाऊँ मैं जाऊँ। नए साल पर हमको नहाना होता है, नहाना होता है। सुना? नए साल पर नहाना होता है, और अगर इस दिन नहीं नहाएगा ना तो पूरे साल भर नहीं नहा पाएगा। कैसा अफवाह है, मुझे ठंड में नहीं नहाना। वे लाले जाके नहा ले, वरना तू तो पूरे साल नहीं नहा पाएगा। ये तेरी गर्लफ्रेंड नहला देगी तुझे अपने हाथों से। मेरा अच्छा जानू, मेरा काला जानू, चलो नहा लो। मुझे नहलाने की कोशिश मत कर वरना गिरा के मारूंगा तुझे। क्या देख रहा है, ब्याह करना है? रिश्ता बेच घर पर? देख तेरी दुल्हन तैयार बैठी है, आज शादी कर ले उससे। यार एक बात बता। हाँ। ये 14 फरवरी को क्या है? पहले तू बता, तेरी शादी हो गई? नहीं यार मेरी शादी नहीं हुई है। तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो फिर 14 फरवरी को सरस्वती पूजा है। हाँ हाँ तुम चांद हो, आसमान पे तो खरबूजा लटक रहा है। ऐ मेरे दोस्त, तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो, वाह वाह वाह, तेरी मेरी दोस्ती इतनी खास हो, शादी तू करे और तेरी बीबी मेरे पास हो। हेलो ज्योग्राफी वाले मैडम, आपने कहा था ताजमहल कहाँ है, लीजिए आज आगरा आ ही गए। हाँ और ताजमहल मैंने बनाया, मैंने। अरे ये ज्यादा हो गया। अरे भैया। हाँ भैया। मेरा एक फोटो ले लेंगे? एकदम ले लेंगे, ये लीजिए। थैंक यू। जीने की हवस नहीं है, भूख पे भी बस नहीं है, डाइटिंग को ठोकरों पे मार दो, जो भी हाथ आए उसे पेल के खत्म करो, ये पेट को पहाड़ सा निकाल दो, ये भूख है प्रचंड, भूखे रह के ना दो दंड, कुछ भी देखो खाने का तो मुंह को फाड़ दो, बीमारी हो भले ही बीपी अस्थमा या शुगर, तुम तो खाने पीने पे ही अपना ध्यान दो, आरंभ है प्रचंड, बन के हाथियों सा झुंड, घर के रासनों को पूरा ही डकार लो, ये मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके अस्पताल में दहाड़ दो। देख रहा हूँ मैं, 14 फरवरी तक अगर कोई मिली तो ठीक, वरना बजरंग दल ज्वाइन कर लूंगा। सबसे अलग सबसे असली जिस्म ख्याल पर हमसे मस्ती सीधा। पुष्पा हाँ। एक सवाल का जवाब दे यार। अरे ना 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 ना, आज तुम मेरे सवाल का जवाब दो। चल पूछ पुष्पा, तू भी याद रखेगा चल। अच्छा ये बताओ भैया, ताजमहल किसने बनाया था? इतना सिंपल सवाल बस, ये ताजमहल शाहजहां ने। शाहजहां ने नहीं बनाया था, ये ताजमहल मजदूरों ने बनाया था। कल पड़ोस में चंदा मांगने के लिए गया तो साले पड़ोसी ने उठा उठा के पटका मुझे, अब मुझे क्या पता था कि उसकी बीबी का नाम चंदा है। अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रही है तो अच्छे से खुजा के काम पे लग जाओ, क्योंकि पैसे काम करने से आते हैं, खुजाने से नहीं। अच्छा सुनो, पापा ने आपको घर बुलाया है। क्यों? वो देखना चाहते हैं कि तुम कितने अमीर हो। अपने बाप को बोल, मैं गरीबों से नहीं मिलता। Oh!
भाई ऐसे क्यों सोए हो? कुछ नहीं रे सुदर्शन भाई, आज ना मुझे बहुत बुखार और सर्दी। चलो फिर डॉक्टर के पास जाते। नहीं आज नहीं, कल जाएंगे। क्यों आज क्यों नहीं? आज मेरी तबीयत खराब है ना, इसलिए। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? नहीं नहीं एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लो। मेरी ओर देख के बम बोले फुचुक। क्या आपको पता है नया साल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतना नहीं पता आपको नया साल को इंग्लिश में कहते हैं? नया साल, नया साल। एक बात तो आप लोग दिमाग में डाल लो, न बेटा काम आएगा न बेटी निहाल करेगी, बीवी से बना कर रखो बुढ़ापे में वही काम आएगी। इसीलिए कहता हूं मेरी बीवी मेरी शान मेरी हस्ती, उसी ने ये लिखवाया है मुझसे जबरदस्ती और कहा है सीरियस होकर बोलना डोंट मस्ती। भाई तुम क्रिकेट देखते हो? हाँ। तुम्हारा फेवरेट विकेट कीपर कौन है? महेंद्र सिंह धोबी। चंबक चलो। बैगन बैगन क्या आपको पता है कि दिनेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिनेश को इंग्लिश में कहते हैं दिन्यो, दिन्यो। अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। ए इधर नहीं, बाहर रोड पे जाके मरने का। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है इस फनकार ने, तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? हाँ। किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? इस नाचिस ने अपने हाथों से बनाया नवाब साहब। अरे कुर्बान जाऊं। इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। अगर आप हुकुम करें तो 1.5 डजन और बना लूं। यही तो हम नहीं चाहते। शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा ताजमहल दोबारा न बन पाए। तुम भी ऐसा दोबारा न बना सको, इसलिए हम भी तुम्हारे हाथ कटवा देंगे। हाथ कटेंगे अलादीन भाई। हाँ तुम्हें मोबाइल से पैसे कमाने? हाँ भाई बताओ ना। बेच दे। ये बताइए मैम कि आपको कहाँ से ख्याल आया कि आप चुनाव लड़िएगा? हम पति से रोज झगड़ा करते थे, पति से जीत जाते थे तो चुनाव से काहे नहीं जीतेंगे? किसके लिए काम करता है तू? इसके लिए। और तू किसका आदमी है बे? हम किसी के आदमी नहीं है, हमारी औरत नहीं है ना, अब तक शादी नहीं हुई है। आपकी नजर में अगर कोई लड़की हो आपकी कौम वाली भी चलेगी तो बता दीजिएगा। हेलो गाइस, तो मैं ताजमहल देखने आया था आगरा में, बहुत मशहूर है ताजमहल, तो बाद में देखूंगा, पहले मैं छोर छोर देख लूं भाई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। सिगरेट सिगरेट भाड़ में गई सिगरेट, मेरे को बीड़ी चाहिए। हाँ हाँ लेंगे, मेरे को बीड़ी चाहिए। अगर मैं मर गया तो मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक स्नैपचैट का क्या होगा? बस गमन तो सिर्फ इस बात का है कि आज तक कभी वैलेंटाइन डे नहीं बनाया क्योंकि भाई के पास गर्लफ्रेंड ही नहीं है।
अर्ज किया है कि शेर बनो, शेर की खाल काम नहीं आती, शेर की खाल काम नहीं आती, सही बात। और जिंदगी में कुछ अच्छे दोस्त भी बना लो, हर जगह माल काम नहीं आती। अगर तुम लोग को जिंदगी में कामयाब होना है तो गलत लोग का साथ छोड़ दो, तभी तुम लोग कामयाब हो सकते हो, सही कहा ना? सोचा था दाढ़ी बढ़ाने से लड़की पट जाएगी, एक लड़की ने अंकल बोलकर ये भ्रम भी तोड़ दिया। हाँ भाई साहब, मेरे अकेले की फोटो लेना। हाँ, अकेले खींचो, अकेले खींचो, अकेले सोचते हुए। अरे यार भाई, ये सीढ़ी लेकर कहाँ जा रहा है? अरे यार भाई, छत पे चढ़ना यार। छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी क्या जरूरत है? फिर तेरा भाई है ना, तेरा भाई के पास हेलीकॉप्टर है, ऐसे छुक उड़ेगा और छत पर पहुंचा देगा। अच्छा भाई, तो हेलीकॉप्टर मंगवान यार प्लीज। अभी मंगाता हूँ भाई, अभी। ये देखो आ गया। तेरा हेलीकॉप्टर का है दिख नहीं रहा? अरे भाई उधर नहीं है, इधर देखो, इधर। No. हेलो भाई साहब, दो आलू बड़े लाना। अभी लाए भाई साहब। हेलो भाई साहब, तुम्हारे आलू बड़े। अरे भाई साहब, गूगल पे लेते हो? गूगल पे? अबे गूगल यूट्यूब कुछ नहीं लेता, कैश दे कैश। हाँ? अबे कैश निकाल, कैश। कैश निकालू? हाँ। अच्छा ये ले। ये क्या अबे? कैश। ए चिरकुट इधर आ। नाम क्या है तेरा? सुंदर। पर दिखता तो है ही नहीं तो सुंदर। तेरा नाम क्या है? दीपक। जला के देखू क्या, जलता है कि नहीं? जब जब घिरे बादल तेरी याद आई, जब झूम के बरसा बादल तेरी याद आई, जब जब मैं भीगा तेरी याद आई। अब रहा नहीं जाता, छाता दे दे भाई। अरे भाई, तुम इतना स्मार्ट कैसे हो? भाई मैं नहाता ही नहीं हूँ। अगर शादी नहीं होगा तो जया खातिर मर जाएगी। पक्का? पक्का। माँ बाप को भूल जाएगी? मरेंगे तो भूल गए करेंगे। दो मिनट के लिए प्यार की तो माँ बाप को भूल गई तुम? दो मिनट के लिए प्यार नहीं किए तो क्या? सारा जिंदगी बिताने के लिए प्यार किए। मैं गुंडा कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। अगर मैं मर गया तो? No. उठ। आज के बाद तूने ऐसा वैसा कुछ बोला तो मारूंगा साले। तू अपना है, जान है मेरा तू। क्यों भाई, तुम लोग कितने भाई हो? भाई एक भी नहीं। अबे कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। क्यों भाई, तेरी बहन तो बता रही थी उसका एक भाई है।
मम्मी मैंने शादी कर लिया हूं और ये तुम्हारी बहू है। क्या काम कर लेती है? आंटी सब कर लेती हूँ। हेलो ममता, कल से मत आना। ये ममता कौन है? हमारी काम वाली। मैं भी सिंगल, तुम भी सिंगल, मतलब समझ रहे हो, हम दोनों की शक्ल खराब है। किसके पास जाना? पति के पास। पति कौन होता है? मामा। मामा थोड़ी ना होता है। मामा मामी के पति हैं, पापा मम्मी के पति हैं, नाना नानी के पति हैं, समझे? वो कहीं खेल रहा होगा बेटा, अभी अभी नहीं मिलेगा वो। मेरे पति कहाँ गए? वो टीटू भाई जल्दी चलो, बहुत मारा है सालों ने। किसने मारा मेरे भाई को? हाथ किसने लगाया मेरे भाई को? हाथ ने लगाया, डंडों से मारा। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास हाथ तक की गारंटी है, डंडों की नहीं। भैया मैगी देना, दो मिनट रुको। अरे भैया बनी हुई नहीं चाहिए। बेबी एक किस दो ना। अच्छा बेबी किस चाहिए? देता हूँ। कौन है? दोस्त है। अच्छा वास्तव में कौन है? तुझे पता नहीं, वास्तव में संजय दत्त है। तुम्ही से मैंने पैसे चुराए, तुम्ही को कॉफी पिलाए, हमें क्या हो गया है? अरे भाई क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रहा है। अरे भाई बात आई लव यू तक पहुंच गई है, बस भगवान से दुआ करो कि ये लड़की निकले। अरे भैया हाँ? तुम्हें सुबह स्कूल में बुलाया सर ने। क्यों? अरे सर ने सुबह मुझसे सवाल पूछा था, 9 × 7 कितने होते हैं, तो मैंने बोला 63। अच्छा और फिर पूछा 7 × 9 कितने होते हैं। अरे तो गधे इसमें अंतर क्या है? बस यही तो बोला मैंने भी सर को।